धन्यवाद। तो पहले इसी चर्चा में कुछ हम विचार करेंगे जो अभी मोहन रूपा प्रभु ने उठाई। तो हाँ, एक प्रश्न उठता है कि भगवान के आदेश से जो है वो आए हैं बाहर और उनको जो है कोप इतना ज़्यादा वृक्षों के ऊपर आया, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो भगवान के आदेश के अनुसार ही वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है कोई दिशा पता नहीं है, लेकिन भगवान हृदय में हैं, उनको दिशा दे रहे हैं, उनको प्रजा उत्पन्न करनी है और प्रजा उत्पन्न करने के लिए उनको पत्नी प्राप्त करना है और पत्नी वृक्षों के द्वारा प्राप्त करना है। तो वो नहीं जानते हैं कि क्या मतलब वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं, लेकिन कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, वो सही कार्य कर रहे हैं। वो भगवान जो है उनसे कई बार ऐसे कार्य कराते हैं कि वो नहीं जानते कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान हृदय में है। भगवान उनको हृदय में जो भाव उन्होंने उनको पैदा हुआ, यही कि प्रजा जो है अगर हम उत्पन्न करेंगे तो कहाँ जगह है, कहाँ स्थान है। जैसे मनु हैं तो जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया प्रजा उत्पन्न करने के लिए, तो उन्होंने प्रश्न किया कि स्थान चाहिए, प्रजा का स्थान चाहिए, तो पृथ्वी दो विधि समुद्र में, तो पृथ्वी को निकाला। उसी प्रकार से इनको भी आदेश मिला प्रजा उत्पन्न करने के लिए, तो प्रजा उत्पन्न करना है तो स्थान चाहिए। ये वृक्ष जो है सब स्थान जो है घेरे हुए हैं, तो एक उनको जो है मतलब ये भाव आया कि स्थान चाहिए तो स्थान बनाना है, तो प्रजा के लिए स्थान बनाना है, तो वृक्षों को जलाना प्रारंभ कर दिया। और जो कोप आया तो वो कोप इस प्रकार का कोप नहीं है कि बिल्कुल अंधाधुंध वो कोप करें कि मतलब जो भी आए उसी को ही मतलब नष्ट करें, ऐसा कोप नहीं है। एक ही दिशा में उनका कोप है, वो सही दिशा में उनका जो कोप है वो है। ऐसा नहीं है कि एक तमोगुणी कोप होता है तो जो भी आए उसी को विनाश करें, तो शिव जी प्रलय करते हैं तो वो तमोगुणी कोप होता है। एक रजोगुणी कोप होता है, इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो उसी व्यक्ति के ऊपर वो जो है उसी व्यक्ति कोप की दिशा होती है कि वो व्यक्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डाल रहा है। और सत्वगुणी कोप होता है, सत्वगुणी कोप होता है निर्माणकारी होता है कि कुछ निर्माण के लिए और कुछ आवश्यकता के लिए वो कोप कर रहे हैं। तो इनका जो कोप है वो तमोगुण का नहीं है और रजोगुण का नहीं है, प्रजा उत्पन्न करने के लिए वो कर रहे हैं और फिर वो सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। और चंद्रमा चूँकि वृक्षों के देवता हैं तो वृक्ष जो है स्वयं तो नहीं आएंगे, उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो चंद्रमा जो है वृक्षों के देवता हैं। तो इनका कोप इसी प्रकार से श्री राम ने कोप किया समुद्र के ऊपर, और समुद्र ने फिर जो है मार्ग दिया तो मार्ग नहीं मिलने वाला था, तो जैसे समुद्र में उनको जो है मार्ग चाहिए श्री राम को और कोप कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो प्रचेता लोग हैं उनको पत्नी चाहिए और वृक्षों के ऊपर कोप कर रहे हैं, और वृक्षों के द्वारा उनकी जो है पत्नी प्राप्त हुई, तो वृक्षों की ओर से जो उनके प्रतिनिधि हैं वो चंद्रमा हैं, वो कह रहे हैं कि आप बाकी जो जितनी शिक्षाएँ हैं ये तो सामान्य लोगों के लिए शिक्षाएँ हैं, ये प्रचेताओं के लिए कोई शिक्षा नहीं है। इसमें हम लोग सोचते हैं ये प्रचेताओं में जो है मतलब ये तमोगुण कैसे आ गया, ये कोप कैसे आ गया, ये सब शिक्षा जो है केवल सामान्य लोगों के लिए दी गई हैं। अब इस श्लोक में हम आएँ तो इस श्लोक में छह बातें जो बताई गई हैं, तो छह उदाहरण दिए गए हैं, तो इस श्लोक से कुछ भी दिशा नहीं पता चलती कि कार्य की बात किस दिशा में हो रही है। ये प्रभुपाद की जो है अनुवाद करने की कला ऐसी है कि श्लोक का जो है बिल्कुल सही दिशा में अनुवाद किया है ना। तो जो पति प्रजा नाम मुख्य चंद्रमा की जो मुख्य बात तो है कि प्रजाओं का जो है देख रेख जो चिंता और पालन करने का कार्य है वो राजा का है, आप प्रजापति हैं, तो उद्देश्य तो यही है श्लोक का, तो सबसे अंतिम आना चाहिए। और बाकी जितने उदाहरण हैं वो जिस प्रकार है? तो प्रभुपाद अनुवाद जो कर रहे हैं तो वो भी श्लोक का एक प्रकार से छोटा सा तात्पर्य है। अगर श्लोक का शब्द अनुवाद करें तो जो है श्लोक का कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या उद्देश्य है श्लोक का, तो श्लोक की दिशा, तो इसलिए प्रभुपाद ने जो है जो तात्पर्य अनुवाद दिए हैं वो भी एक छोटे से तात्पर्य हैं। इसलिए प्रभुपाद जिस प्रकार तो का नाम पितरो मतलब बच्चों के, जिस प्रकार माता पिता बंधु होते हैं, दृशा पक्ष में जिस प्रकार से नेत्रों की जो है पलकें हैं
वो देखभाल करती हैं, स्त्री पति जिस प्रकार से स्त्रियों का जो है पति रक्षक होता है, फिर जिस प्रकार भिक्षु गृह भिक्षु राम गृह भिक्षुकों का जो है गृहस्थ देखभाल करता है, अज्ञानियों का जो है बुद्धिमान, उसी प्रकार पति प्रजाना। तो जो चौथी बात है तो वो जो है अंत में प्रभुपाद ने ले ली, और बाकी जो पांच बातें हैं वो जिस प्रकार करके, और जो चौथी बात है पति प्रजाना उसी प्रकार। अब प्रजाओं का जो है पति, तो फिर प्रभुपाद अनुवाद में ही मतलब ये लिख रहे हैं जो श्लोक में नहीं है कि वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं, वृक्ष की तो बात ही नहीं है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा का जो उद्देश्य है वो वृक्षों के लिए है। तो यहाँ पर प्रजा का मतलब वृक्ष हैं, तो इसलिए प्रभुपाद ये जो अनुवाद हैं, और कोई व्यक्ति उसमें दोष निकाले तो दोष निकाल सकता है कि भी अनुवाद जो है शब्द के अनुसार अनुवाद नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने जो है अनुवाद जो दिए हैं वो इतने सोच समझ करके दिए हैं कि मानव समाज को जो है वो मतलब पूरी तरह से जो है दिशा देंगे मानव समाज की दिशा के लिए। इसलिए अनुवाद भी जो है प्रभुपाद के जो है मतलब उस प्रकार से हैं कि जिससे कि कोई व्यक्ति उसका तात्पर्य समझ पाए, है ना। फिर प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं अंत में, ये भी ध्यान देने की बात है, है? तो इस पर प्रभु जी ने महाराज ने भी जो है काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला कि भिखारियों का भरण पोषण गृहस्थों को करना चाहिए, वे पेशेवर भिखारी नहीं हैं। तो आजकल पेशेवर भिखारियों को जो है ज़्यादा महत्व तो दिया जाता है और दरिद्र नारायण का नाम दिया जाता है, तो बहुत बड़ा ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान कि ये जो पेशेवर भिखारी हैं इनका पेशा है दिन रात यही काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करना। उनकी चेतना जो है बिल्कुल दूषित है, वो सड़क में जो है जो भीख मांगते हैं तो इनके अंदर एक परसेंट भी चेतना जो है भगवान के प्रति नहीं है, है? और जो प्राचीन काल में जो भिक्षुक होते थे वो सन्यासी होते थे, तो पहले सन्यासी जो है प्रचार नहीं करते थे, क्योंकि राजा का कार्य होता था प्रजा में प्रचार करना, राजा ही धर्म की स्थापना करता, धर्म की रक्षा करता और प्रजा को धर्म में लगाता था। अब चूँकि कलयुग में राजा कैसे हैं, शूद्र हैं, म्लेच्छ हैं, पतित हैं, तो वे जो है प्रजा को धर्म में नहीं लगाएंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है कि प्रजा में ही आप प्रचार करिए, जारे देखा तारे कहो कृष्ण देश। और संन्यास का भी उद्देश्य केवल प्रचार का है, संन्यास लेने का उद्देश्य केवल प्रचार करने का है, जबकि पहले संन्यास लेने का उद्देश्य प्रचार करने का नहीं होता था, वो जो अपने कल्याण के लिए चिंता करता था, तो भिक्षु केवल द्वार में खड़ा होकर के भिक्षा लेगा, लेकिन अब जो है जो सन्यासी हैं वो प्रचार करते हैं, अब प्रचार करते हैं तो फिर उनको दरवाजे में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, सब कोई अपने घर में भोजन कराएगा, चाहे भिक्षा के नाम पर भोजन कराए, लेकिन उसको जो है भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो प्रचार में लगा हुआ है, तो भगवान जो है उसकी विशेष देखभाल करते हैं, उसको जो है और अच्छा जो है रहने का और खाने का और जो है सुरक्षा का बहुत अच्छा प्रबंध होता है सन्यासियों का, तो वो प्रचार के लिए है। तो यहाँ पर जो है विशेष बात है कि जो दरिद्र नारायण का जो विचार है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि भाई सड़क के जो भिखारी हैं ये जो है दरिद्र नारायण है ना? तो हम जो है मंदिर में जो नारायण हैं इनकी हम क्यों सेवा करें, ये तो लक्ष्मी नारायण है ना? हम तो सड़क के जो है दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे, दरिद्र नारायण, लेकिन ये जो है दरिद्र कैसे दरिद्र हैं, ये जो है सड़क में ही रहना चाहते हैं, अगर इनको घर मकान भी दे दिया जाए तो घर मकान को किराए में उठा देंगे और सड़क में आ जाएंगे, इनको 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 जो भी पैसा दो उसका जो है वो दुरुपयोग करेंगे और अपने भिक्षा मांगने का जो है काम करेंगे। इसलिए प्रभुपाद बड़ा अच्छा मतलब बहुत निंदा करी, प्रभुपाद ने बहुत निंदा की है दरिद्र नारायण की जो है इस विचार की बहुत निंदा की है ना। तो ये लोग जो है मतलब नहीं है ऐसे कि भाई इनको जो है हम लोग देखभाल कर रहे हैं, ये जो है मतलब है ना ऐसे नहीं है, है? तो जो पहले प्राचीन काल के सन्यासी होते थे भिक्षा मांगते थे तो सात घरों में केवल भिक्षा मांगना और जो मिला है? तो कुछ टुकड़े उन्होंने मतलब ले लिए उन्होंने और थोड़ा मिला जितना भी मिला सात घर से ज़्यादा भिक्षा मांगेंगे नहीं, अपने नदी के किनारे बैठ करके या तालाब के किनारे बैठ करके वो अपना भोजन करेगा और बाकी समय जो पूरा भगवान के जो है भजन में और ध्यान में है जो है पूरा समय व्यतीत करेगा। इनकी चेतना क्या है, एकदम तमोगुण में, बिल्कुल तमोगुण में है ये लोग
जो कि मतलब इस तरह से थोड़े थोड़े पैसे के लिए जो है किसी गाड़ी साफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर जो है अपना बड़ी दीनता दिखाएंगे, है ना, और फिर उन बच्चों को जो है वो अपंगे भी कर देते हैं, जानबूझ करके उनके हाथ और पैर जो है ख़राब कर देते हैं कि इन बच्चों के द्वारा भी जो है भिक्षा जो है मिलेगी, तो उन बच्चों को भी जो अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, उनको जो है इस कार्य में लगाते हैं। तो इसलिए मतलब प्रभुपाद ने जो हमें जो तात्पर्य दिए हैं ये बहुत जो है हमारी आंखें खोलने के लिए हैं, बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेंगे, और इनके 10,000 साल तक प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं ये जो है समाज का मार्गदर्शन करेंगे। हरे कृष्ण।